हाय, मैं हूं डॉक्टर नितिका कोहली एंड वेलकम टू ऑल अबाउट आयुर्वेदा। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये तीन कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स या कॉमन ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल हर दूसरा इंसान कहता है कि मुझे हैं। या तो वो इसे फेस कर रहे होते हैं और जानते हैं, या कई बार फेस कर रहे होते हैं बट पहचानते नहीं हैं। ये बहुत कॉमन है और इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसका कनेक्शन आयुर्वेद में कैसे दिया गया है, माइंड से इसका क्या कनेक्शन है और आयुर्वेद उसमें क्या हेल्प कर सकता है, आज मैं डिस्कस करूँगी। सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मलग्रह प्रसन्नात्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। आयुर्वेद में स्वस्थ इंसान की डेफिनेशन यही दी गई है, जिसके दोष जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, धातु बैलेंस्ड है, मल अच्छे से डेफिकेट हो चुके हैं और जो अग्नि है वो भी अपनी बैलेंस स्टेट में है, जहाँ पर मन यानी कि माइंड और सेंसेस एकदम अलाइंड और बैलेंस हैं। मीनिंग अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें आयुर्वेद में, तो ये फिजिकल हेल्थ से अलग नहीं ली जाती। आप अगर किसी फिजिकल कंप्लेन के साथ, किसी बीमारी के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर पे जाते हैं, तो आपकी सिर्फ फिजिकल कंप्लेन या फिजिकल बीमारी को नहीं देखा जाता, मानसिक संतुलन और माइंड आपका कैसा है इसको भी साथ साथ कंसिडर किया जाता है। भले ही आपको ना पता चले, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तभी आपको दवा दी जाती है और ऐसे ही दी भी जानी चाहिए। अगर हम बात करें कि मन जो है वो आपके माइंड से भी लिंक होता है, आपके सेंसेस से भी लिंक होता है और वो छोटी छोटी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एनर्जी फील्ड है और इसमें तीन एनर्जीज हैं जो कि हैं सत्व, रज और तम, जैसे हमारे तीन दोष हैं। ये तीन दोष सत्व, रज और तम आपके मानसिक दोष हैं। अगर तो ये रहे बैलेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो अगेन डिजीज की वहां पर प्रेजेंस होती है। अब ये बैलेंस क्यों बिगड़ता है? बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड की सेटिंग हम सबकी सात्विक होनी चाहिए या सात्विक होती है। हम इसे अपने लाइफस्टाइल से, अपनी थॉट से इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि हम जैसा फूड खाते हैं वैसी हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, वैसे ही जैसी हम थॉट्स रखते हैं या हम जैसी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हैं हमारी मेंटल हेल्थ होती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ को जानना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं, वो आपका माइंड कैसे परसीव करता है, क्योंकि वो आपके फिजिकल हेल्थ में मैनिफेस्ट होते हैं, जिसको आजकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का नाम दिया जाता है। कि बीमारी पहले आपके माइंड में प्रेजेंट हुई और फिर फिजिकली आपको फील हुई या आपको दिखी। तो बेसिकली अपने माइंड का ध्यान रखना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको कहा जाता है देव व्यापाश्रय चिकित्सा। उसमें मंत्रों से, होम यानी कि हवन से, मेडिटेशन यानी कि ध्यान से, योगा से आपके मेंटल बैलेंस को रिस्टोर किया जा सकता है। और ये बहुत इजी भी है, इसको अपनाना इतना मुश्किल नहीं है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। तो अगर आप अपने मेंटल बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बैलेंस रहेगी।